अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक रोलिंग टैक्स के बारे में बताया था, आज मैं आपको रोलिंग टैक्स के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैंने वीडियो में आपको टैक्स टाइटल के बारे में भी बताया था। बेसिकली रोलिंग टैक्स जो होता है वो वीडियो के एंड क्रेडिट्स के लिए यूज़ किया जाता है ड्रामों के अंदर, फिल्मों के अंदर। तो बहुत ईजीली वो आप बना सकते हैं इसमें। वैसे आप की फ्रेम के ज़रिए भी यूज़ करके कर सकते हो, मैं आपको कभी बाद में बताऊँगा, लेकिन अभी आपको मैं टाइटल के ज़रिए बताऊंगा कि किस तरीके से आप रोलिंग टैक्स को बना सकते हैं। सबसे पहले आपने ओपन करना है अपना एडोब प्रीमियर, उसके बाद आपने आ जाना है फाइल के अंदर। फाइल में आने के बाद टाइटल का यहाँ होगा, टाइटल खोलेंगे, वो इसकी वेड और हाइट रखनी है 1920 1080 25 फ्रेम स्क्वायर पिक्सल। आपने खोलने के बाद सबसे पहले करना ये है कि ये टाइप टूल लेना है। टाइप टूल पे यहाँ टाइप लिखना है, आप जो भी लिखना चाहें, मैं तो खैर नेम उठाऊँगा। रैंडम नेम लिस्ट, रैंडम नेम लिस्ट उठाई मैंने, इसमें से मैंने ये 12 नाम उठा लिए, ये मैंने कॉपी कर लिए 12 नाम, सही है। उसके बाद मैंने आ जाना है इधर, इधर आके मैंने ये 12 के 12 नाम पेस्ट कर दिए। पेस्ट करने के बाद ये लेफ़्ट साइड पे इसके सेंटर अलाइन करना है हमने, टेक्स्ट सेंटर अलाइन होगा। उसके बाद हमने इसको पोजीशन नीचे कर लें आप, सही है, मैंने नीचे कर ली पोजीशन। उसके बाद मैंने इसको सेलेक्ट करके इसका फॉन्ट साइज स्टाइल चेंज किया, साइज़ भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, मैंने नहीं करना। कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये चेंज कर लिया। अब उसके बाद मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि यहाँ तीन ऑप्शन है, रोल क्रॉल क्रॉल ऑप्शन है, और ये टेम्पलेट्स और न्यू टाइटल बेस। तो हमने रोल क्रॉल पे क्लिक करना है। अब यहाँ टाइटल टाइप्स आ गई मेरे पास, स्टिल रोल क्रॉल लेफ्ट क्रॉल राइट। आज में हमने यूज़ करना है रोल, तो हम रोल पे सिलेक्शन करेंगे। अब देखें, यहाँ जब ये खोला तो इसके बाद ही हमें बोल रहा है कि आपने स्टार्ट ऑफ स्क्रीन लगाना है या एंड ऑफ स्क्रीन पे, तो मुझे लगाना है एंड ऑफ स्क्रीन पे। मैंने इस पे चेक मार्क लगा के और ओके कर दिया, ये ऑटो खुद ही इसको मूवमेंट कर देगा। अब ये सेव हो गया, ये मैंने बनाया टाइटल, सही। अब ये देखें, ये मैंने यहाँ प्ले किया, देखें कितना तेज़ी से जा रहा है। अब मैं ये बहुत तेज़ी से जा रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको थोड़ा सा और स्लो कर दूंगा। ये स्लो मोशन करने का, वीडियो को स्लो करें, क्लिप को स्लो करना है आपने। आप ऐसे इस पे रेड स्ट्रेस टूल है, इसकी शॉर्टकट की आर है, इस पे क्लिक करें, इसको थोड़ा सा खींच दें, सही है। अब देखें कितना स्लो स्लो जाएगा, बहुत इजी है। अगर आप खुद करना चाहें, एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करें, अगर समझ में ना आए तो पूछ लें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। कोई चीज़ पूछनी हो मुझे मैसेज करें, जो मैं बता सकता हूँ बता दूंगा आप लोगों को। आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।